अपने देख रहल छी टीवी टुडे टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज प्रणाम हम ज्योति शुरू करी बुध दिन 2828 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में बुध दिन थप 2828 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि देश भर कयल गेल 8687 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2014 आ 4335 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 814 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,37,437 पहुँचल अछि तहिना कोरोना के कारण थप 52 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ हाल धरि नेपाल में 8,558 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि तहिना थप 3,082 गोटे नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 5,43,521 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल छैक हाल धरि नेपाल में 32,40,299 टा पीसीआर आ 1,23,386 टा एंटीजेन परीक्षण कयल गेल अछि प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जनकपुर धाम में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कयलथि एसआरजे ग्रुप जनकपुर धाम उप महानगर वार्ड नंबर 23 में स्थापना केने गैस प्लांट के मुख्यमंत्री राउत बुध दिन एक कार्यक्रम के बीच उद्घाटन कयलनि प्लांट उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री राउत कोरोना महामारी संग लड़ लेल महत्वपूर्ण रहल ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कयल गेला स उद्योगक संचालक के धन्यवाद दैत जनकपुर क्षेत्र में आब ऑक्सीजन के अभाव नहीं हैत विश्वास व्यक्त कयलनि 7 करोड़ के लगानी में शुरू भेल उक्त उद्योग दैनिक 450 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन करत बतौल गेल अछि एसआरजे ग्रुप अध्यक्ष शिवनंदन शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश सभा सदस्य करीमा बेगम पूर्व कृषि मंत्री हरि नारायण यादव मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित के उपस्थिति रहल छलनि सरकार अखाड़ 25 गते धरि कर तीर आग्रह करैत सूचना जारी केने अछि आंतरिक राजस्व विभाग बुध दिन एक सूचना प्रकाशित कऽ कऽ कर विवरण तथा कर दाखिला करबाक म्याद अखाड़ 25 गते धरि तोकने अछि विभागक अनुसार 2077 साल चैत आ बैशाख महीना के मासिक तथा चैत आ बैशाख महीना के द्विमासिक अवधि के मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण आ कर दाखिला अखाड़ 25 गते धरि करय पड़त तहिना 2077 चैत आ 2078 साल बैशाख महीना के बुझाव पड़बाक अग्रिम कर कटी भेल रकम आ ओहि के विवरण सेहो अखाड़ 25 गते धरि बुझाव पड़त 2077 चैत आ 2078 बैशाख में बुझाव पड़बाक अंत शुल्क विवरण तथा ओहि अनुसार के अंत शुल्क दाखिला करबाक अवधि सेहो 25 अखाड़ तोकल गेल अछि 2077 चैत आ 2078 बैशाख महीना के बुझाव पड़बाक शिक्षा सेवा शुल्क टेलीफोन स्वामित्व शुल्क आ दूरसंचार सेवा दस्तूर दाखिला करबाक म्याद समेत 25 अखाड़ 2077 धरि थप भेल विभाग जनौने अछि सर्वोच्च अदालत मंगल दिन सरकार आर्थिक एन 2077 के दफा 19 बमोजिम सूचना जारी कऽ कऽ कर तिरबाक समय तो कऽ सकबाक आदेश देने छल जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 22 बस बिटी के 4 बरखक बचिया पूजा परिवर्तित नाम अपने पड़ोसी द्वारा बलात्कृत मिली अछि जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार बचिया के ओहि वार्ड के 50 बरखक पुरुष छेदू मंडल जबरदस्ती करनी कयलक अछि बचिया बलात्कार के ने उजुरी के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय अभियुक्त मंडल के पकड़ चुकल प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भट्ट जानकारी दिलान पीड़ित बचिया के अभिभावक निवेदन दिलाक बाद ओकरा पकड़ल गेल धनुषा प्रहरी जनौने अछि प्रहरी के अनुसार मंगल दिन साँझ पड़ोसी बचिया के खेलाब लेल मंडल घर से अपना संग लग गेल छल खेलाब लग गेल मौका देख ओ बचिया के आम के बाग में लऽ जाकर जबरदस्ती करनी केने छल अबेर साँझ धरि घर नहीं घुरलाक बाद घर परिवार बचिया के खोजबीन करित गेला पर घर से करीब 2 सेमीटर दूर आम के बगान में अचेत अवस्था में दिखलाक बाद प्रहरी के खबर केने छल ओही आधार में प्रहरी बुद्धिन भिनसर मंडल के पकड़ कर घटना के अनुसंधान कर रहल एसपी राणा भात बतौलनि एहि से पहिने सेहो ओ पुरुष अपने गामक एक महिला के समेत जबरदस्ती करनी केने छल ओहि समय स्थानीय ओ घटना के गाम में नुका चोरा क मिलाओल गेल छल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री उमा शंकर अरगरिया स्वास्थ्य सामग्री लऽ कऽ गृह जिला धनुषा आयल छथि हुनका कार्यकर्ता आ शुभेच्छुक स्वागत केने छनि मंत्री भेलाक बाद पहिल बेर गृह जिला पहुँचल अरगरिया के प्रादेशिक राजधानी जनकपुर में युवा नेता कार्यकर्ता आ शुभेच्छुक स्वागत केने छथि जानकी मंदिर क्षेत्र के विश्व संपदा सूची में राख पहल करब निर्णय कऽ कऽ कार्यभार संभालने मंत्री अरगरिया स्वास्थ्य सामग्री सहित गृह जिला पहुँचल छनि
जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में रखबाक निर्णय से अ क्षेत्रक जनता खुशी भेल हुनक सहयोगी सब बतबैत अछि। मंत्री अरगड़िया अपने पहल में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के थप वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ आईसीयू में आवश्यक उपकरण सब प्रदान कर रहल छैक। काल स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल अखाड़ 4 गते प्रदेश सभा में विश्वास के मत लेबाक तैयारी केने छन। गत जेठ 29 गते प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल हुनका संविधान के धारा 168(5) अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त केने छली। सदन में आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट पर विमर्श होबय से पहिने मुख्यमंत्री पोखरेल विश्वास के मत लेबाक तैयारी केने छथि। माओवादी जनमोर्चा सहितक दल के संग पाइब ओ मुख्यमंत्री बनल छलथि। संविधान के धारा 168(5) अनुसार नियुक्त मुख्यमंत्री 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेबय पड़त, मुदा जल्दीए विश्वास के मत लेबाक तैयारी भ रहल अछि। मुख्यमंत्री बनबाक क्रम में नेपाली कांग्रेस दलक नेता हुनका जसपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय जनमोर्चा स्वतंत्र सांसद दीपक मनांग सहित 31 सांसद संग देने छल। जनमोर्चाक दोसर सांसद कृष्ण थापा के पद गेलाक बाद आब ओ संसद में 30 गोटे के संग पुष्टि करय पहुँचत। पछिला 24 घंटा में धनुषा में बुधदिन 22 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध कराने तथ्यांक अनुसार मंगल दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1005 रहल में बुधदिन 22 थप भेल अछि। तो हाल धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 907 रहल अछि। तो आई धनुषा में नीक भेनिहार में 116 गोटे रहल तथ्यांक देखौने अछि। तहिना आई धनुषा में कोरोना संक्रमण से 4 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौने अछि मृत्यु भेल सब में मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 10 लालगढ़ रहनिहार वर्ष 74 के एक पुरुष, शबेला नगर पालिका वार्ड नंबर 12 रहनिहार वर्ष 65 के एक पुरुष, श्रेष्ठनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार वर्ष 65 के एक पुरुष आ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 रजौल रहनिहार वर्ष 60 के एक पुरुष रहल अछि। तो हुनका सबके क्रमश राम जानकी अस्पताल डॉक्टर रमन मिश्र के क्लिनिक आ 2 गोटे के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनौल गेल अछि। बुधदिन 96 गोटे पीसीआर परीक्षण कराने में 22 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख अछि। धनुषा में संक्रमित मध्य 848 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज कराई रहल छथि। तो सामान्य इलाज में रहल संख्या 39 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 20 रहल अछि। तो वेंटिलेटर में इलाज कराई रहल क्यों भी नहीं रहल जनौल गेल अछि। धनुषा में हाल धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल संख्या 102 रहल अछि। धनुषा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 39 अस्पताल सेवा दैत्याल में जमा बेड के संख्या 632 रहल अछि। तहिना आईसीयू के संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर के संख्या 21 रहल प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल के स्वास्थ्य गंभीर भेल छथि। थापाथली स्थित नरविक अस्पताल में 3 दिन से इलाज कराई रहलाक बादो सुधार नहीं भेलाक बाद थप इलाज के लेल हुनका भारत ल जाओल गेलनि। स्रोत के अनुसार हुनक स्वास्थ्य अवस्था नाजुक अछि। किडनी में समस्या देखल गेलाक बाद दिल्ली स्थित एपोलो अस्पताल में इलाज कराई रहल पारिवारिक स्रोत जानकारी देने अछि। हुनका लगातार बुखार अयलाक बाद 3 दिन आगू नरविक अस्पताल भर्ना कयल गेल छलनि। नरविक में इलाज के क्रम में सुधार नहीं अयलाक बाद भारत ल जाओल गेलनि। एहिसँ पहिने बीतल माघ में स्वास्थ्य में समस्या अयलाक बाद खनाल इलाज के लेल दिल्ली पहुँचल छलथि। ओहि समय सेहो हुनका एपोलो में स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल छलनि। हुनका संग पत्नी बेटा आ एक गोटे चिकित्सक सेहो दिल्ली गेल छथि। एहिसँ पहिने खनाल के कोरोना संक्रमण भेल छल। ओहि समय सेहो हुनका इलाज नरविके में कयल गेल छल। हुनका पोस्ट कोविड समस्या सेहो देखल गेल चिकित्सक सब बतौने अछि। मेलमची नदी में 81 आयल बाढ़ से सिंधुपाल सोख के हेलम्बू गांव पालिका आ मेलमची नगर पालिका में पड़वला नदी किनारक क्षेत्र में पैघ क्षति पहुंचौनी अछि। बाढ़ के कारण क्षति भेल सड़क खोल घायल आ बीच बाट में समस्या में सर्वसाधारण के गंतव्य में पठाव लेल प्रयास भ रहल अछि। बाढ़ के कारण ओहि क्षेत्र में मोस्ट्रेबल पुल आ झलोंगे पुल सब दहलायल। हेलम्बू गांव पालिका के अध्यक्ष नीमा ग्यालिंजेन शेरपा बाढ़ के बाद सड़क यातायात के सुचारू कर सकल तो सर्वसाधारण के राहत के संगे अन्य व्यवस्था कर सहज हेबाक बतौलन। बाढ़ बाद के अवस्था बुझ मेलमची पहुंचल कांग्रेस नेता मोहन बसनेत के टोली संग हुनक 81 एल बाढ़ से क्षति के पूर्ण रूप में विवरण भेलाक बाद सब व्यवस्था स्थानीय तय करत ओ बतौलन। अखन तत्काल सड़क खुलाब के लेल सरकार ध्यान देव पड़बाक ओ जिक्र कयलनि। ओहि क्रम में कांग्रेस नेता बसनेत सर्वसाधारण के सुरक्षित स्थान में रखबाक व्यवस्था कर पड़बाक आ अन्य क्षति भेल पूर्वाधार निर्माण के लेल अपना सब जुटब कई बतौने छथि। प्राकृतिक प्रकोप से भेल क्षति से समस्या में पड़ल जनता के जल्द से जल्द राहत उद्धार के काज करबाक हुनक कहब छनि। स्थानीय सब राति के बाढ़ से बहुत बासिंदा हरायल बतौने अछि।
ओ सब नदी के बहाव कखनो घटब तो कखनो बढ़वाक भेलासँ त्रास बढ़ल बतौनी छाक। रात नदी के बहाव घटलाक बाद सामान निकाल नदी कात स्थान में पहुँचला पर पुनः बहाव बढ़ल आर बेसी पैघ क्षति भेल ओ सब बतौनी अछि। बाढ़ के बाद ओ क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी लगात स्थानीय उद्धार में खटल छल। संभावित अन्य दुर्घटना के मद्देनजर करैत स्थानीय के सुरक्षित स्थान में सारल गेल प्रशासन जनौने अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।